नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मैं सोचा था कि आज का जो मेरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होगा कुछ दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल से भी स्पेशल है। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आज काशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात बहुत पहले हो चुकी है और बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरी वीडियोज फिर भी आप लोग देखते होंगे, कभी कभी जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ या ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या किसी प्रोफेसर से बात हो रही है, किसी ऑफिशियल से मैं आजकल इंटरव्यू जब लेता हूँ, तो होपफुली आप उस वीडियोज़ को देखते होंगे। तो मतलब ये समझ लो ना, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सारा मन कर रहा है कि आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ बातें बोलूँ। होपफुली मैं कभी फिर आऊँ तो ज़रूर बोलूँगा, लेकिन अभी आप लोग की एक डिमांड थी। बहुत सारे बच्चे मुझे देखा व्हाट्सअप किए थे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं कि सर प्लीज़ इस बार हम लोग के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सडन यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, और जो हमारे एग्ज़ाम के टाइम टेबल हैं उसमें गैप्स नहीं रखे गए हैं। तो उसके लिए मैंने ट्विटर पे कल एक पोस्ट डाला हुआ था, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपके सपोर्ट में डाला गया था, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक BHU पाठशाला, ठीक है, देखो ये आ गया। देखो यहाँ पे मैंने कल आप लोग के सपोर्ट में एक डाला हुआ था पोस्ट, ये एक बच्चे का, मैंने किसी का एग्जाम एडमिट कार्ड था जिसमें देखो 28, 29, 30, 1 चार दिन कंटिन्यू एग्ज़ाम है। तो मैंने यहाँ पे बोला भी था कि VC महोदय कृपया ये लॉजिक सभी को समझाएं, पहले तो 6 महीने का जो सिलेबस हो 3 महीने में आपने ख़त्म कर दिया और एग्ज़ाम डेट को लगातार कर दिया, ऐसा कीजिए कि एक मौका आप हमें भी दीजिए, हम इन प्रोफेसरों का भी एग्ज़ाम लें कि भाई आपके पास ऐसा कौन सा कला है, आप थोड़ा हमें भी करके दिखाएं कि कैसे इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होपफुली आपको आप जाके देख लेना, आप भी रीट्वीट मार देना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक बार जब भी ऑफिस विजिट करूँ इस बारे में बात ज़रूर रखूँगा। आज अब ये चीज़ें जो हो रही हैं उसके बाद एग्ज़ाम तो सबको देना है, ऐसा तो है नहीं एग्ज़ाम नहीं देना है। अब एग्ज़ाम देने के लिए क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम लोग एग्ज़ाम टाइम अप्लाई करें, तो यानी वन नाइट स्टडी, ठीक है, यानी वन नाइट स्टडी क्या प्लानिंग होनी चाहिए जो कि हम लोग जाएं और 70 में लगभग 60 के प्लस लेकर आएं। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन C, सबके क्वेश्चन पेपर लगभग इसी सेक्शंस में बटे होते हैं, 3 सेक्शंस में। PG के लिए नहीं है, PG में सेक्शंस का डिवीजन थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन लगभग मेथड यही है, लेकिन UG में सेक्शंस के मेथड यही है। सेक्शन A में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी जो क्वेश्चंस आप पढ़े हो तो किताबों में उसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चूज एनी 2 क्वेश्चंस। क्या होते हैं? चूज एनी 2 क्वेश्चंस। ध्यान देना वहां पे लगभग 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 क्वेश्चंस करना होगा, 5 होंगे 2 क्वेश्चन करना होगा, या फिर पहले क्वेश्चन में और करके सेकंड क्वेश्चन दिया होगा। अपने इंजुलेटर, अगर आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन पेपर तो आप उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लो या वहां पे जो भी इंजुलेटर है उससे आप एक बार डिस्कस कर सकते हो। ध्यान देना जो उसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो 5 से 7 पेजेस लिखने होते हैं, अगर हम लोग वर्ड्स में बात करें तो 500 से 700 शब्द। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आप बहुत ही कंजस्टेड लिखते हो तो 5 पेजेस एनफ, अदरवाइज आप बहुत बोल्ड लिखते हो और आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो, बढ़ा बढ़ा के लिखते हो, तो आप 7 पेजेस में लिख सकते हो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, वैसे मैं ये मंत्र लास्ट में दूंगा तो लास्ट में ध्यान दो, ठीक है। सेक्शन बी, इसमें 10-10-10 यानी 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी चूज एनी 3 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी और का ऑप्शन होता है। तो ध्यान देना कि आप में आपको सबसे ज्यादा जिसमें नॉलेज होगा, ठीक है, उसी को आप लोग इसमें दोगे, और ये जो क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरी में पढ़ा है उसके जो यहाँ पे प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन सी, सबसे ज़्यादा सेक्शन सी ही जो होता है यूजी में, मैं भी BHU में जब यूजी का पेपर देता था तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे बात को घुमा नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको टू दी पॉइंट्स बात करनी है, सीधा सीधा पूछ देगा कि बौद्ध संगति जो चौथा वाला है वो कहाँ हुआ था या कौन शासक था उस समय, मतलब टू दी पॉइंट्स भटका नहीं सकते हो आप एग्जामिनर को। तो ध्यान देना कि सेक्शन सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि इसकी प्लानिंग, इसको पढ़ना कहां से, ठीक है। तो ये वन लाइन या वन सेंटेंस के या वन वर्ड के आपके आंसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, कौन से सेक्शंस को हम लोग पहले पिक आउट करें और कौन से सेक्शन को हम लोग लास्ट में करें, इस पे हम लोग एक पूरा एक आपको लेक्चर देने वाले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो
हो सकता है कुछ लोग जाते हैं एग्जाम में, जो भी मन करता है लिख के चले आते हैं, लेकिन मैं देखो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि अगर प्लान वे में जाओगे ना तो अच्छा करोगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो CGPA बने हैं, आई थिंक मेरा फाइनल रिजल्ट 8 CGPA+ ही है मेरा, और आप देखते होगे मैं यूट्यूब पे भी हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं कितना हेक्टिक लाइफ को जी रहा हूँ, और ऐसे में भी मैं CGPA को इवन मेरा एस ग्रेड बना है फिलॉसफी में, मेरे 80-90+ रहे हैं मेरे उसमें भी, अरेबिक में भी मेरे, मतलब मैं कुछ अपने मतलब जो मेरे इंटरेस्ट सब्जेक्ट नहीं थे उसमें मेरे मार्क्स कम हुए, लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट्स मेरे बहुत हाई मार्क्स रहे हैं क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का था और मैं बहुत अच्छे से उसमें स्टडी भी करता था। आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए अबाउट 2-3 लोग का, उससे ज़्यादा नहीं। सिंगल बच्चों के लिए बताऊंगा, बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रुप नहीं पसंद करते होंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कैसे पिकआउट करना है। सेक्शन ए को तभी आप लोग टच करना जब आपको सेक्शन ई के जो क्वेश्चंस हैं देखते ही दिमाग में आ जाए, ओ यार ये तो मैं लिख दूंगा पूरे 5 पेज गजब का, इसमें मुझे सब पॉइंट्स पता है, जब इसमें मुझे पूरे पूरे बुलेट्स पॉइंट्स पता है। यानी सेक्शन ए को तभी आप टच करोगे जब सेक्शन ए के क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आ जाए कि यार कम से कम इसमें 5-6 पॉइंट्स तो मुझे दिमाग में याद है, 5-6 पॉइंट्स से आराम से आप 5 पेज बना लोगे। अब ये क्वेश्चन लेके देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आया, बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के 4 संगीतों का संघ जो काउंसिल है उसका वर्णन करें और इसकी शिक्षा के ऊपर भी प्रकाश डालें। देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए, अब ऐसे में आराम से 5 पेज भरा जा सकता है। बौद्ध धर्म क्या है तो बौद्ध धर्म के बारे में बता दिए, उसके बाद आप क्या बता रहे हो उसके बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे ये इनका जन्म यहाँ हुआ है और इनके मामी का नाम ये है, इनके पापा का नाम ये है और इनके बेटे का नाम ये है, इनकी पत्नी का नाम ये है और इनका पहला जो शिष्य है वो ये है, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बेसिक इंट्रोडक्शन भर दिया, आराम से वो एक पेज आराम से हो गया। फिर आप इसके जब बौद्ध काउंसिल की बात करते हो तो बौद्ध काउंसिल में आराम से पूरा कॉलम बना दिया, चारों बौद्ध काउंसिल के बारे में लिख दिया, फिर उससे रिलेटेड 2-3 लाइन आपने फैक्ट्स लिख दिया। उसके बाद अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के बारे में, यानी उन्होंने क्या, उन्होंने बताया कि 4 जो होता है आर्य सत्य होते हैं, फिर 4 आर्य सत्य को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया कि उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। तो आप इतने सारे पॉइंट जब पता रहेगा ना तो आराम से 5-7 पेज आप लिखोगे ही लिखोगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है सेक्शन ए में आराम, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको 2 क्वेश्चन उठाने हो तो वही क्वेश्चन उठाओगे जिसमें आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद अगर सेक्शन ए में ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तब मामला बिगड़ेगा। आप सोच रहे हो सर हमें तो 4 में से 4 नहीं आ रहा है, अब क्या करें? तो ऐसे में आप देखो कि सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सेक्शन बी में जाओ। सेक्शन बी में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब ये देखो कि उन 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन भी है जो आपको सबसे अच्छे से आता है तो आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करने की बजाय सेक्शन बी अटेम्प्ट करो वहां पे। ठीक है, सेक्शन बी अटेम्प्ट करो और उसमें सबसे अच्छे से जिसको आता है उसको लिखो। स्टार्टिंग की कॉपी जो है वो बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, अबाउट 10 पेजेस का टारगेट लेके चलो और जिसके लिए आपको देना है पूरे 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट आपको स्टार्टिंग के 10 पेज के लिए देना है और उसकी हैंडराइटिंग और उसमें जो भी बुलेट पॉइंट्स होंगे, जो भी उसमें डेटा होगा वो लगभग करेक्ट होना चाहिए। इतने में आप अपने एग्जामिनर को क्या करोगे, इंप्रेस कर लोगे, बाकी आगे की कहानी जो है वो अपने आप सही हो जाएगी, बस सेक्शन सी को संभालना पड़ेगा। एक और अच्छा आइडिया देता हूं, अगर आप सेक्शन सी में देखते हो और आपको उसमें 10 में 10 क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आपको सेक्शन सी के 10 में से 10 क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं ऐसे में आप सबसे पहले सेक्शन सी को अटेम्प्ट करो, क्योंकि एग्जामिनर का जो है ना वो, क्योंकि 10 क्वेश्चन में 10 आ रहा है और सिंगल लाइन आपको आंसर देना है, मुश्किल से 20 मिनट लगेगा आंसर लिखने में, यानी 20 मिनट में आपने 10 ऐसे क्वेश्चंस को दिया है जिससे एग्जामिनर एकदम इंप्रेस हो गया है, वो इतना समझ गया है कि कॉपी लिखने वाला जो लड़का है या लड़की है ये बहुत ही नॉलेजेबल है। उसके बाद आप सेक्शन बी या सेक्शन सी का जब कोई क्वेश्चन अटेंड करके उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से करके लिख देते हो तो तब तक पूरा कहानी एकदम अच्छा बन चुका होता है और एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि जिसकी भी कॉपी है वो बहुत नॉलेजेबल है। अब 1-2 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं भी होंगे तो भी आपको मार्क्स देता आगे बढ़ जाएगा और कम से कम 60+ में जाओगे। ठीक है, अब आती है कि सर वो 1 नाइट स्टडी की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मैं आपको यहां से अगर मैं वीडियो दिखाता तो दिखा नहीं पाऊंगा, प्लीज घुमा मत देना कैमरा। वो एक प्लानिंग जो मैंने करी अपनी स्टडी के लिए, मैं चाहूंगा 2-4 पेज दिखा देना यार उठा के, वो पढ़ा होगा वहां पे नीचे, पढ़ा है 2-3 पेज उठा के लाओ, बस वही नीचे। हाँ एक्चुअली नीचे मतलब पता है मैं पढ़ते पढ़ते इधर मेरे गिरे पड़े सोचेंगे भी सबकी क्या कैसे। देखो ये मेरे देखो 1 नाइट स्टडी का पूरा एक पैकेज है जो
जो कि मैंने अपने स्टडी के लिए बनाया। मैं इस तरीके के ए फोर साइज के ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस ले लेता हूँ। और देखो ये सब जो मेरे देखो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कम से कम 5 साल का पेपर ले लिया। 5 साल के पेपर के बाद मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी सभी के क्वेश्चन को बस मैंने पढ़ा, कहीं से भी किसी बुक के रेफरेंस से, कहीं गूगल करके, या मैं अपने क्लास के किसी अच्छे लड़के से जिसको इन सब चीजों का नॉलेज है, मैंने उन सब से बात करके मैं अपने नोट्स बनाया और हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही टू द पॉइंट्स लिखकर आया। तो आपके पास शब्दों की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और आप हर एग्जाम को जब देकर आओ तो तुरंत आप इस तरीके का अपने एक नोट्स तैयार करो, इस तरीके का आप नोट्स तैयार करो, शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ट्रिकी क्वेश्चंस के नोट्स तैयार करो, और उस नोट्स को आप एग्जाम के पहले बस रिविजन मारो और जाके वहां पर कॉपी लिख दो। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगे, और यही वन नाइट स्टडी होती है। वन नाइट स्टडी के लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट मैं आप लोगों को फिर से रिवाइंड कराता हूं। आप कोशिश करो कम से कम 2 से 3 के साथ बैठो, ठीक है, और उस 2-3 लोगों में आपका अप डाउन बच्चे होने चाहिए, यानी एक बहुत तेज होना चाहिए, एक मीडियम भी होना चाहिए, एक आप जैसे लोग भी होना चाहिए जो थोड़े कम पढ़ने वाले हैं या ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो आप इन तीनों के साथ बैठो, अलग अलग क्वेश्चंस को दे दो एक ही टाइम पे, जैसे ब्रांड वैल्यू क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, अलग अलग क्वेश्चंस दो। तुम ब्रांड के बारे में देखो, तुम मार्केटिंग के बारे में देखो, तुम मास कम्युनिकेशन के बारे में देखो, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखो, और तीनों लोग अपना अपना स्टडी कर रहे हैं, फिर तुरंत आप लोग क्या करो, एक एक पॉइंट्स, ठीक है, तू अपना बता, फिर नोट डाउन कर रहे हो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने नोट्स अपने बना रहे हो। बस इस तरीके से आपके 1 घंटे के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चंस अरेंज हो जाएंगे, बहुत अच्छा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आप बहुत कुछ देख रहे हो। मैं अभी इससे पहले आपके नए बच्चों के लिए वीडियोज बना रहा था, लेकिन आप लोग के इतने डिमांड्स थे कि मैं कहा यार चलो अच्छा कुछ आप लोग के लिए भी वीडियो की बात हो जाए। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि बीएचयू पाठशाला आपने कब देखा था, उसमें बीएचयू पाठशाला के सब्सक्राइबर कितने थे वो कमेंट्स करिएगा, और आज आप सब्सक्राइबर चेक करिए अभी कितने हैं, और 2 महीने बाद फिर मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा अगर आपके डिमांड पे, फिर आप देखिएगा कितने हैं। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि हम लोग आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए एक मिशन चला रखे हैं 100 वीडियोज फॉर 100 के, यानी 100 वीडियो आपको देंगे काउंसलिंग के लिए, और उसमें आपको बीएचयू पाठशाला का 100 के कंप्लीट करना है। तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग तो सब्सक्राइब कर लिए हो, लेकिन अपने छोटे भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने दुश्मन दोस्त, अपने अच्छे वाले दोस्त, अपने सबसे अच्छे वाले दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, हर किसी को ये वीडियो भेजो, प्लीज बोलो यार सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और मेरे साथ बोलिएगा एक बार प्रेम से हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।